दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबी क्लास बाय सीएम झासर में। आज हम बात करेंगे पर्सनल सेक्शन के रिक्रूटमेंट पर आधारित सवाल जवाब का। जो रेलवे के LDC एग्ज़ाम या GDC एग्ज़ाम है, जनरल जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, सब में रेलवे से जुड़े हुए सवाल में इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, खास करके उनके लिए जो पर्सनल डिपार्टमेंट में प्रमोशनल पोस्ट में जाना चाहते हैं, उनके LDC के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और जितने भी LDC होते हैं, सब में पर्सनल डिपार्टमेंट से सवाल रहते ही रहते हैं, तो उनके लिए भी ये इक्वली महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन से सवाल जवाब के बारे में। सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती किस श्रेणी में नहीं की जाती है? इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन? रेलवे में डायरेक्ट वैकेंसी किस में नहीं की जाती है? ग्रुप बी, ग्रुप ए की रिक्रूटमेंट UPSC के थ्रू डायरेक्ट होती है, बाकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होती है RRB RRC के द्वारा, बट ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट डायरेक्टली कहीं नहीं होती है, पूरी की पूरी LDC यानी प्रमोशनल कोटा से ही है। अवर लिपिक में सीधी भर्ती और विभागीय भर्ती का कोटा कितना प्रतिशत है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट? तो जितनी वैकेंसी है उसमें 50% जो है, दिस इज़ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 50% को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, 3/1 33 और 3/2 16, यानी कि एक हो गया LDC और दूसरा प्रमोशनल कोटा, ये हमें दो पार्ट में बांट दिया जाता है। प्रवर लिपिक की सीधी भर्ती का परसेंटेज क्या? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर क्लर्क? सीनियर क्लर्क में डायरेक्ट कितना परसेंट रिक्रूटमेंट RRB के द्वारा होती है? दिस इज़ द 20%, और 80% सीनियर क्लर्क थ्रू प्रमोशनल ही बनाया जाता है। प्रवर लिपिक में विभागीय भर्ती पदोन्नति का प्रतिशत क्या है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट प्रमोशनल कोटा ऑफ सीनियर क्लर्क? दिस इज़ द 80%, 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 80% प्रमोशनल कोटा है, जिसमें दो पार्ट में बांटा जाता है, सीनियरिटी पे है 66 2/3% और 13 1/3%, जो ग्रेजुएट कर्मचारी जूनियर क्लर्क में है उनको 33 1/3% से लेता है। स्नातक अवर लिपिक में प्रवर लिपिक हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित प्रतिशत कितना है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ LDC कोटा फॉर प्रमोशनल ऑफ जूनियर क्लर्क टू सीनियर क्लर्क? जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क बनने के लिए LDC का प्रमोशनल कोटा कितना है? दिस इज़ द 13 1/3%, 13 1/3%। ऊपर वाले क्वेश्चन देखा, इसमें 80% होता है प्रमोशनल कोटा, 66 2/3 प्रमोशनल से जाता है, और 13 1/3% डायरेक्ट स्नातक वाले को लेते हैं। क्या प्रवर लिपिक में 20% के रिक्त पदों की सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जा सकती है? जी हाँ, 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट RRB ही सीनियर कलर की करती है। स्टाफ नर्स की श्रेणी में सीधी भर्ती का क्या परसेंटेज है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स? 100% 100% स्टाफ नर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा ही भरी जाती है। 40 अनुसूचित जाति के विकलांगों की चतुर्थ श्रेणी में अधिकतम किस आयु तक भर्ती हो सकती है? व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज फॉर PHP अलॉन्ग शेड्यूल्ड कास्ट? 45 वर्ष तक जो है वो शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी कैंडिडेट आ सकते हैं, 30 साल तो उनकी नॉर्मल है और 10 वर्ष प्लस SC का 5 वर्ष, टोटल 45 ईयर्स। अन्य पिछड़ी जाति OBC उम्मीदवारों की सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? 3 वर्ष, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? व्हाट इज़ द एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर SC ST कैंडिडेट? 5 ईयर्स, 5 सालों की छूट दी जाती है। चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी लेवल 1 GP 18% में नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रुप डी इन लेवल 1 जूनियर स्केल ऑफिसर? जितने भी जूनियर यानी कि असिस्टेंट ग्रेड के ऑफिसर हैं, सब रिक्रूट कर सकते हैं ग्रेड 1 यानी कि 1800 GP में। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट? लैब सहायक में विभागीय कोटा का कितना प्रतिशत है? दिस इज़ द 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बहाली होती है। ASM का ग्रेड पे का वेतन लेवल 6 में सीधी भर्ती और विभागीय भर्ती का कितना कोटा है?
एएसएम के लिए 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी है और 40% जो है विभागीय भर्ती है जो प्रमोशनल के थ्रू जाया जाता है। गार्ड वेतन लेवल 5 जीपी 2800 सीधी भर्ती और विभागीय भर्ती, व्हाट इज़ द परसेंटेज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डिपार्टमेंटल प्रमोशन फॉर गार्ड? दिस इज़ द 60% और 40%। 60% गार्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं और 40% गार्ड कम फ्रॉम विभागीय प्रमोशनल कोटा। टिकट संग्राहक रिग्रेड पे 3 विभागीय पदोन्नति कोटा कितना प्रतिशत है? व्हाट इज़ द परसेंटेज फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन फॉर टीसी लेवल 3? दिस इज़ द 50%, जिसमें 3 1/33% और 3/2 का 16%, दो पार्ट बांट दिए जाते हैं, एक डायरेक्ट एलडीसी और दूसरा नीचे से ऊपर आने के लिए ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने के लिए। टिकट संग्राहक ग्रेड वेतन लेवल 3 सीधी भर्ती आरआरबी का कोटा कितना है? आरआरबी का कोटा दिस इज़ द 50%। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।